अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग एक्चुअल में वापस नहीं गए थे भावनगर, हम लोग लाहौर में ही थे। बट ये क्लिप्स मेरे मिस हो गए थे, आप लोगों से शेयर ही नहीं किए मैंने, तो सोचा इनको भी ऐड करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ हैं। ओए छोड़ के इधर आओ ना ईमान, ईमान हाथ ले लगाना, नहीं हाथ ही लगाना, इधर देखो आवाज नहीं आ रही आपको, जरा सी आवाज नहीं आ रही, दे दे मुझे, थैंक यू। हाथ ही लगाना, टच स्क्रीन नहीं है बेटा, आवाज ऑन करती है, पीछे जो चलो चलो कर दिए चल। दिस इज़ आवर सेकेंड होम। बेसिकली ये मेरा जो देवर है उन्होंने नया घर लिया है बहावलनगर में। बहावलनगर में न्यू सिटी के नाम से एक जगह है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अमेजिंग जो है वो घर तामीर किए हैं जिन्होंने ये जगह बनाई है। तो हम लोगों ने भी वहाँ पर एक घर लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत सा और बड़ा अच्छा सा ये बना हुआ है। और इर्द गिर्द के भी जितने भी घर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। मामी का दरवाज़ा खुला है, हम लोग को वहाँ बहुत मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि नई नई जगह है ना, तो ग्रीनरी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मच्छर थे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा काट रहे थे। हालांकि कॉइल लगा हुआ था, सारा कुछ था, बट मच्छर पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। तो बस अब हम लोग घर जा रहे थे। तो ये मैं आप लोग को थोड़ा सा व्यू देती हूँ बाहर का, कि बहुत ही खूबसूरत सी एक सोसाइटी आप कह सकते हैं उस तरह से बनी हुई है और न्यू सिटी के नाम से है ये। और ये मेरे बाहर भांजे खड़े हुए थे। बहुत ही पीसफुल सा इन्वायरमेंट है, बट एट पॉइंट्स आपको डर भी लगता है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा रश वाली जगह नहीं हुई है, बहुत से कम लोग यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादातर लोगों की यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। बट यहाँ पे बहुत सिक्योर माहौल इन्होंने बनाया हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं और एक मेन गेट भी है। आई थिंक एक मखसूस टाइम पर ये लोग मेन गेट बंद भी कर देते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मे भी बंद कर देते हैं। वैसे होता तो यही यूँ ही है कि जब बहुत लेट हो जाता है ना तो मेन गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग दावत पर आए हुए थे, जो मेरी छोटी नंद है उनके घर दावत थी। तो बस वहाँ पर ईमान बहुत ही मज़े से राइस खा रही थी, तो बस मैंने थोड़ा सा यही कैप्चर किया। जब खाना लगा तो मुझे जहन में नहीं आया कि मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो मैंने नहीं बनाई। तो बस जब ईमान ख़ुद से खाना खा रही थी ना, और ये पहली बार खा रही थी एक्चुअल में, तो बड़े तमीज़दाराना तरीके से, मैंने खाती है कभी कभी पर गिराती ज़्यादा, पर बहुत ही तमीज़ से और बड़ी ऑर्गेनाइज वे से वो खा रही थी, तो मैंने ये क्लिप बनाया था। मैंने नोटिस किया आयान की नस्बत ईमान जल्दी चीज़ों को पिक करती है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से चीज़ों को कैरी भी करती है। अब जैसे पीनट्स हैं ईमान ख़ुद से खा लेती है, खाती वो मुँह में डालकर ही उसको छीलती है, बट इस तरह से खाती है कि उसकी कोशिश पूरी होती है कि कहीं पे भी जो है ना गंद नहीं डले। और जबकि अयान उसको कोई भी आप चीज़ को कहें ना बेटा आप खा लो, तो वो कहेगा मम्मा आप खुद खिलाएं, वो खुद से ट्राई ही नहीं करता। और जबकि ईमान की पूरी कोशिश होती है कि हर नई चीज़ को वो ट्राई करे और वो खुद से करने की कोशिश करे। और जबकि कुछ चीज़ों में मुझे होता है कि ईमान आप नहीं करो मैं ही करूँगी, बट उसे होता है कि नहीं मामा मैं करती हूँ खुद ही से। शायद ये लड़कियों में नेचुरल चीज़ है और लड़के शुरू से ही पैदाइशी तौर पर थोड़े सुस्त होते हैं और लड़कियां माशाल्लाह स्मार्ट होती हैं। नहीं देनी है यार जिशान, क्या लगी आपको बच देना, मिर्ची लगी ये देना। और यहाँ पर आ गया जी मेरा फेवरेट पान, ये बहुत ही मज़े का होता है और इसमें ये वाली टॉफ़ी भी इन्होंने डाली हुई होती है। तो मैंने तैयब से कहा था तैयब मेरी जो टॉफ़ी है ना नहीं डलवा के लाना, बल्कि सिर्फ मेरे में नहीं डलवा के लाना, उसने तो सारों में टॉफ़ी नहीं थी ये डलवाई, वो पान के अंदर ये टॉफ़ी भी डाल के देता है। मैंने कहा मैं खानी होगी तो ना खुद से खा लूँगी, बाद में पान के अंदर बिल्कुल नहीं ये टॉफ़ी डलवानी। तो वो नहीं था डलवा के लाया और यहाँ पर मैं पान खा रही हूँ, बड़ा ही मज़े का और यम्मी और टेस्टी पान है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पान। देखो ये कैसे चलती है, ऐसे ओ ओ जो खेलो खेलो दिखा दिखाओ, खोलती मम्मा ये भी खोल दूँ।
बैटमैन भी लिख दिए, बैटमैन ही होता है ना। या 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 उई उई वाओ वाओ। चाचू को आपने थैंक यू बोले, जजाकल्ला खैर बोले, जजाकल्ला खैर कहते हैं। हेलो ब्लैक बैग, दिखाओ यहाँ। जो आपका बैग वो पड़ा है वो उठा लो बेटा, पीछे से अपना बैग। और कुछ मैंने लिया और एरोप्लेन बड़ा सा लेने के अब आपके लिए नहीं कुछ लेने गए, ईमान के लिए लेने गए। अब ईमान की चीज़ें भी लेने गए थे, ईमान सो रही थी जब अयान अपने टॉयज लेकर आया था, तो जो मेरा देवर है वो अब ईमान की चीज़ें लेने गया था सेम वैसी, ताकि इनकी लड़ाई ना हो, बिकॉज इनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है ना मैं आप लोग को बता नहीं सकती। सेम चीज़ होनी चाहिए, कलर्स भी सेम होने चाहिए, फिर थोड़ा सा जो है ना इनका फड्डा कम होता है। और यहाँ पर मेरे लिए चिप्स लेकर आए थे तो मैं चिप्स खा रही थी, और खाने में अकेली बैठी थी, सब कह रहे थे इतनी बुरी होती है नहीं खाया करें, और सारे खाए जाते हैं। ये पहले ये जिशान आए हैं और उसके बाद ये अरसलान आए, सारों ने मेरे साथ चिप शेयर की। साथ साथ बुराई करते हैं, साथ साथ खाई जाते। और ये फोन है, चाचू लाए मेरी बेटी की टॉयज। और जी ये वापस आ गए हम लोग लाहौर में, कितने मज़े से हम बहावल नगर गए और फिर हम लाहौर आ गए। बट हकीकत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जब बहावल नगर गई थी तब के क्लिप्स थे, और फिर मैं लाहौर आ गई थी, और फिर लाहौर से ही मेरी फ़्लाइट थी बहरीन की, तो मैं लाहौर अपनी अम्मी की तरफ वहाँ पर आ गई थी। मैंने बाकी जो मेरी छुट्टियाँ थी ना मेरी यहाँ लाहौर में गुजरनी थी, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हुई थी दराज से, जैसे ये मैंने रिंग लाइट मंगाई थी, ये स्पेक्ट्रम रिंग लाइट है। इसका मैं आपको एक बार फिर से भी रिव्यू दूंगी, यहाँ पर बस तेज़ी से चीज़ें खोल रहे थे तो थोड़ी देर मैंने आपको साथ साथ दिखाती गई हूँ। रिंग लाइट बेसिकली नॉर्मल रिंग लाइट जैसी नहीं है, जैसे उसमें सिर्फ आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, लाइक आपने वार्म टोन में जाना है, येलो टोन में जाना है, या आपने जो है कूल टोन में जाना है, ये तीन होते हैं आपके पास। बट इसमें आपके पास पूरा स्पेक्ट्रम है, आपने रेड में जाना है, ऑरेंज सॉरी रेड है, इसमें ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, इस तरीके के करके इसके अंदर आप डिफरेंट लाइट सेलेक्ट कर सकते हो। आप बटन प्रेस करते जाते हो और जो उनसे आपने स्पेसिफिक लाइट उस टाइम ऑन करनी है रिंग लाइट की आप कर सकते हो। और इस तरीके की लाइट्स भी ऑन होती हैं, लाइक जिसमें पिंक येलो और ब्लू तीन शेड्स हैं और वो तीनों एट अ टाइम डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बेसिकली दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक डिफरेंट कलर्स का है और एक मोड का है जिसमें सिर्फ वार्म टोन और कूल टोन और आप येलो ऑन कर सकते हो। और फिर मैंने ये मास्क भी मंगवाया हुआ था और मेरे भाई ने इस पर मुझे इतनी बातें सुनाई, क्योंकि ये 500 का मास्क था और इसके अलावा इसके डिलीवरी चार्जेस 200 था, लाइक मुझे ये 700 का मास्क पड़ा था, तो इसलिए ही वॉज़ लाइक कि यार तुमने 700 का मंगाया है, तो मैंने कब तो आ गया। और फिर ये वाटरप्रूफ बेडशीट हम लोगों ने मंगाई थी, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपने कौन सा कलर लेना है, और ये बहुत अच्छी बेडशीट्स हैं, बिल्कुल भी जो है ना ये पानी इसके सीप थ्रू नहीं होते हैं, बहुत अच्छी ये वाटरप्रूफ बेडशीट्स हैं। और ये किंग साइज़ है, आपको वहाँ पे डिफरेंट साइज़ भी मिल जाते हैं, बट हम लोगों के बेड किंग साइज़ हैं तो इसलिए किंग साइज़ ही मंगाइए। और ये बहुत ही मज़े का रॉयल ब्लू सा कलर था तो मैंने ये एक मंगाया था। मेरा तो सोच है।
और इसके अलावा मैंने रनर्स मंगाए थे, ये जो सोफ़ाज है मेरे पास यहाँ बहरीन में, उसके लिए मैंने रनर्स ऑर्डर किए थे और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉलिड किस्म के रनर्स हैं, लाइक बिल्कुल भी हल्की क्वालिटी के ये रनर्स नहीं हैं। और ये शुक्र है ज़िशान के होते हुए मैंने मंगा लिए थे, क्योंकि सिर्फ ज़िशान के पास बड़ा वाला बैग था, एक्स्ट्रा बड़ा वाला, वरना हमारे नॉर्मल साइज़ के जो बैग्स होते हैं वो थे, और उसमें ये आना भी नहीं था और मेरा सारा वेट भी ज़ाया होना था। तो शुक्र है ज़िशान के होते हुए मैंने मंगा लिए थे और ज़िशान के बैग में ये फिर चले गए थे उनके साथ ही। सो दिस वॉज ऑल ओवर दिस वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।